आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही खूबसूरत और प्यारा डिज़ाइन। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेडीज़ जेंट्स या बच्चों के स्वेटर में कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है फ्रेंड्स। तो ये डिज़ाइन जो है 12 रो में बन कर के तैयार होता है और ये हमने जो है केवल 11 फंदे लिए हुए हैं। 1 फ्लावर ही बताएंगे आपको, एक फूल आपको बताएंगे। आप इसी तरह पूरी स्वेटर में इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको ये डिज़ाइन बताना शुरू करते हैं। हमने सोचा कि अगर और अधिक फंदे लेते हैं तो ज़्यादा समय लगेगा आप लोगों को सीखने में। तो फ्रेंड चलिए आपको ये डिज़ाइन बताना शुरू करते हैं। तो देखिए बॉर्डर बनाने के बाद जो है 2 रो बेसिक रो आपको नीट करना है। तो देखिए 2 रो बेसिक रो नीट करना है। तो फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे और 2 फंदे उल्टे नीट करेंगे। 2 फंदा ये साइड में आएगा, देखिए 1 और ये 2। 2 फंदे, ये 3 फंदे हमारे साइड के हैं, ठीक। इसके बाद हम ये 7 के मल्टीपल में ये डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। तो देखिए अब हमें उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, 2 फंदे हम सीधे नीट करेंगे और 1 फंदा हम उल्टा। फिर उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, 2 फंदे सीधे और फिर उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे, 2 फंदा उल्टा। ये हमारा डिजाइन का 7 फंदे हमारे ये डिजाइन के हैं और ये हमारे 3 फंदे साइड के हैं और ये 1 फंदा हमारा एड स्टिच है। तो फ्रेंड्स ये 7 के मल्टीपल ये डिजाइन बनेगा और प्लस 4 फंदे आपको एक्स्ट्रा लेने हैं। तो हमारा ये डिजाइन देखिए, अब ये हम ये बेसिक रो है। ये सेकंड रो बेसिक रो है। हमने आपको बताया था कि 2 रो बेसिक रो है। देखिए हमारा ये साइड का डिस्टेंस है, इसे हम स्लिप कर लेते हैं और 2 फंदे हम सीधे नीट करेंगे। जो हमारे रॉन्ग साइड में राइट साइड में उल्टे थे वो रॉन्ग साइड में सीधे। जो फंदा जैसा दिखता है वैसे ही आपको फ्रंट नीट करना है। अब उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे, 2 फंदा उल्टा। उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, 1 फंदा सीधा। उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे, 2 फंदा उल्टा। उनके धागे फ्रंट बैक साइड ले जाएंगे, 2 फंदा सीधा और उनके धागे को फ्रंट साइड ला के ये साइड का एड स्टिच है, इसे हम कर दें। अब हमारा ये डिजाइन का अब फर्स्ट रो है फ्रेंड्स। तो देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे नीट करेंगे। ये हमारा साइड का एड स्टिच है। फिर उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, 2 फंदे हम सीधे नीट करेंगे। अब देखिए हमारा जो ये एक उल्टा फंदा है, अब हम यहाँ से नहीं नीट करेंगे, पहले इसके नीचे से हमारा ये जो होल है, देखिए जो नीचे से होल है यहाँ से हमें नीट करना है। पहले उनके धागे को फ्रंट साइड करेंगे और ये नीचे से एक बार हम बुनाई करेंगे, फिर इसके बाद ऊपर से हम दूसरी बार बुनाई करेंगे। तो हमारे एक फंदे से 2 फंदे हो गए। फिर उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, 2 फंदा सीधा। उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे, 2 फंदा उल्टा और उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, 1 फंदा साइड का एड स्टिच है। तो फ्रेंड्स हमारा ये डिजाइन का फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो में आते हैं। सेकंड रो में देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जो जैसा दिखता है फंदा वैसे ही नीट करना है। अब हम उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, 2 फंदे हमारे सीधे। उनके धागे को फ्रंट साइड, 2 फंदे उल्टे और उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे। अब हमारा ये जो एक फंदा से 2 फंदा बना था, तो ये अब इधर से 2 फंदे हमारे सीधे। अब उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे, 2 फंदे हमारे उल्टा और उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, 2 फंदे सीधे और
इस साइड का एड स्टिच है, इसे उल्टा करके कंप्लीट करें। तो डिजाइन का सेकंड रो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड रो में। देखिए थर्ड रो में क्या करना है, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, उनके धागे फ्रंट साइड करेंगे, ये टू फंदा उल्टा नीट करेंगे, टू फंदा उल्टा, उनके धागे को बैक साइड, टू फंदा सीधा, उनके धागे को फ्रंट साइड। अब देखिए हमारा जो आगे वाला ये फंदा दिख रहा है, जो हमने एक फंदे से दो फंदे बनाए थे, तो जो हमारा ये फर्स्ट फंदा दिख रहा है, इसके नीचे होल से अब हम फिर नीट करेंगे। तो देखिए ये हमारा एक फंदा एक्स्ट्रा और हो गया, तो हमारे एक फंदे से हमारे तीन फंदे हो गए। और ये देखिए हमारा ये थर्ड रो है डिजाइन का, उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, टू फंदे सीधे, उनके धागे को फ्रंट साइड, टू फंदे उल्टे, उनके धागे को बैक साइड, एक फंदा साइड का एड स्टिच। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड रो कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए फोर्थ रो में। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे। ये फोर्थ रो है रॉन्ग साइड फ्रेंड्स, जो जैसा दिखता है रॉन्ग साइड में उसको ऐसे ही नीट करना होता है। अब हमारे ये टू फंदे उल्टे, अब देखिए वन टू थ्री, ये थ्री फंदे जो हमारे बढ़े हुए फंदे हैं सब सीधे बुने जाएंगे, फिर उनके धागे को फ्रंट साइड, टू फंदा उल्टा, उनके धागे को बैक साइड, टू फंदा सीधा, और उनके धागे को फ्रंट साइड करके एक साइड का एड स्टिच है, इससे नीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे ये फोर रो कंप्लीट हो गए। हम फिफ्थ रो में आ गए। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे, टू फंदा उल्टा, उनके धागे को बैक साइड, टू फंदा सीधा, उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि अब यहाँ से हम वन फंदा नीट करेंगे। देखिए एक स्लिप, ये हमारा जो फर्स्ट फंदा है इसके नीचे से हम एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे। देखिए अब फिर इसके बाद हम दूसरा फंदा बुनेंगे, फिर देखिए एक फंदा और बुनेंगे। दो फंदा बुनने के बाद अब हम इस जो हमारा एक फंदा ये है इसके नीचे से हम एक बार और बुनाई करेंगे, फिर इसके बाद ये उल्टा, इसमें दो फंदे बढ़ाएंगे, तो हमारे एक फंदे से ये पांच फंदे हो गए। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव फंदे हो गए। अब फिर हम उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, टू फंदा सीधा, उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे, टू फंदा उल्टा, और फिर ये साइड का एड स्टिच है, इसे हम नीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये डिजाइन का फिफ्थ रो कंप्लीट हो गया। अब सिक्स रो में आपको जो जैसा दिखता है वैसे ही नीट करना है। जैसे कि हम फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, बैक साइड ले जाएंगे उनके धागे को, दो फंदा सीधा, फिर फ्रंट साइड लाएंगे, दो फंदा उल्टा, फिर उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, जो हमारे पांच फंदे, एक फंदा से पांच फंदे हुए हैं तो उन्हें सीधा बुनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव फंदे हमारे हो गए। और फिर देखिए वन टू, फिर इसके बाद उनके धागे बैक साइड ले जाएंगे, दो फंदे सीधे, उनके धागे फ्रंट साइड, वन फंदा, ये हमारा साइड का एड स्टिच है। तो फ्रेंड्स हमारा देखिए ये सिक्स रो कंप्लीट हो गया। अब हम सेवन्थ रो में आ गए। अब हमें देखिए क्या करना है, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, इसमें कुछ डिजाइन चेंजेस है, तो उनके धागे फ्रंट साइड लाएंगे, टू फंदा उल्टा, और उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, टू फंदे सीधे, अब उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे। फ्रेंड्स केवल टू फंदा पहले इसमें नीट करना है, वन टू। अब हमारा देखिए ये जो उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, अब जो जहाँ से हमने फर्स्ट बार हमने यहाँ पर फंदा
बनाया था वहाँ से हम एक लूप लेंगे। यहाँ से देखिए हमें सात फंदे बनाने हैं, तो हमारा फर्स्ट फंदा, ऊन के धागे को जब हम आगे करेंगे तो इससे भी एक फंदा बनेगा, और देखिए एक बार हम यहाँ से फिर लेंगे तो हमारा दूसरा फंदा बन जाएगा, तो हमारे ये तीन फंदे हो गए। देखिए 1 2 3, अब आगे करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और बुनाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। इसी तरह हम ये आगे करेंगे 6 हो जाएगा और बुनाई करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये 7 फंदे हमने बनाए हैं। तो ये हमारा जो है साइड का, ये हमारा साइड का एड स्टिच है, सॉरी ये साइड के 2 फंदे इधर थे, बीच में यह, तो ये 5 फंदे, एक फंदे से 5 फंदे बने थे, तो 2 हमने बुनाई किया था और 2 ये साइड में, एक ये जो है बीच में, इसको हम इसको ले करके और ये 7 फंदे को हम एक साथ सीधा बुनाई करेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारा ये 7 फंदों के साथ हम इसे लेफ्ट स्लाइप पहले डालेंगे, इसे लेफ्ट स्लाइप डाल देंगे और एक फंदा इसमें से लेंगे, 8 फंदे एक साथ हम हो गया, एक बार बुनाई कर देंगे ऐसे। और फिर देखिए उनके धागे फ्रंट साइड लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे और फिर उनके धागे बैक साइड ले जाएंगे और 2 फंदे हमारे सीधे, उनके धागे फ्रंट साइड, 2 फंदे उल्टे, उनके धागे को बैक साइड, साइड का एड स्टिच है इसे निट कर लेंगे। तो डिजाइन का हमारा 7th रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हम आ गए 8th रो में। 8th रो में आपको देखिए क्या करना है, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे और 1 2 2 सीधा निट करेंगे और 1 2 2 फंदे हम जो है उल्टा निट करेंगे। अब हमारे ये जो 5 फंदे हैं उन्हें हम एक साथ बैक लूप से बुनाई करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 5 फंदों का 1 करेंगे। देखिए ये हमने 5 फंदों को एक साथ निट करना है फ्रेंड्स। देखिए हमने 5 फंदों को एक साथ निट किया उल्टा, फिर उनके धागे को आगे किया और 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे, फिर उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, 2 फंदे सीधे, फिर उनके धागे फ्रंट साइड लाएंगे, साइड का एड स्टिच है इसे निट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा देखिए 8th रो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं 7th रो में, सॉरी 9th रो में। देखिए फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, उनके धागे फ्रंट साइड लाएंगे, 2 फंदा उल्टा निट करेंगे, अब उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे। अब हमें यहाँ थोड़े से चेंजेस करने हैं, इधर के ये जो हमारे 5 फंदे हैं, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, तो पहले 2 फंदे, ये 2 फंदे जो हैं इसे हम लेफ्ट राइट स्लाइप लेंगे और 3 फंदे स्लिप करके हम इसे लेफ्ट स्लाइप पे ऐसे ले लेंगे, 1 2 3, और फिर हमारे ये 2 फंदे जो हैं इसे हम लेफ्ट स्लाइप पे ऐसे डाल लेंगे, फिर हम 2 फंदों को 1 2 फंदा हमने सीधा निट किया, फिर उनके धागे को आगे किया, 1 फंदा उल्टा निट किया, फिर उनके धागे को बैक किया और 2 फंदे सीधा निट किया और उनके धागे को फ्रंट साइड करेंगे, 2 फंदे हम उल्टा निट करेंगे और फिर ये साइड का एड स्टिच है। तो देखिए फ्रेंड्स 9th रो में ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। अभी 10th रो में जैसा आपको दिख रहा है उसे आपको ऐसे ही निट करना है। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, उनके धागे को बैक साइड करेंगे, 1 2 2 फंदे सीधा निट करेंगे, फिर उनके धागे फ्रंट साइड ला करके 2 फंदे उल्टा निट करेंगे,
फिर ऊन के धागे को बैक साइड ले जाएंगे, वन फंदा सीधा, ऊन के धागे को फ्रंट साइड, टू फंदा उल्टा, फिर ऊन के धागे को बैक साइड, टू फंदा सीधा, ऊन के धागे को फ्रंट साइड, वन फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन का हमारा 10 रो कंप्लीट हो गया। देखिए ये डिज़ाइन इस तरह बन करके आता है। तो फ्रेंड देखिए, आप जब इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो इस तरह आपका डिज़ाइन बन करके आएगा। और इस डिज़ाइन को आप बनाएं, ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, 10 रो में बनकर तैयार होता हो जाता है। अब अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।